वो अंग्रेजी में किसी ने क्या खूब कहा है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज अ डॉग। इंसान का सबसे वफादार दोस्त एक कुत्ता ही होता है, वो दोस्त जो हमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। अब चाहे हम रुपयों से अनाथ हों या कोई शख्स खास हो, उनका प्यार हर किसी के लिए एक समान ही होता है। उनकी छोटी सी दुनिया में हम इंसानों का महत्व हमारी सोच से भी ज्यादा है। और इन्हीं प्यारे से दोस्तों का ध्यान रखते हैं कुछ युवा कार्यकर्ता, जो कि देहरादून में स्थित एनजीओ सैम अर्थ इंडिया के नाम से इसी प्रयास में जुटे हैं कि कैसे इन जानवरों का ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाया जाए। पिछले 6-7 सालों से काम करने के बावजूद भी कभी हमने एनजीओ खोलने का या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड महसूस नहीं करते थे। फिर आकांक्षा ने मैक्सिमम टाइम अपना सारा डिवोट किया एनिमल्स के प्रति, बहुत सारे एनजीओ के लिए इसने काम किया, बहुत सारा काम सीखा। और तब जब हम लोगों को लगा कि अब हम तैयार हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, तब जाके हमने एनजीओ की स्टार्टिंग की। एनजीओ शुरू करने की ये पहल कोई आसान बात नहीं थी। लोगों को कैसे साथ जोड़ा जाए और साथ ही कैसे इन प्यारे जानवरों के खाने से लेकर हॉस्पिटल तक के खर्चे का इंतजाम किया जाए। एक एनजीओ स्थापित करना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती थी, पर वो कहते हैं ना, जब जज्बा चट्टान सा मजबूत हो तो लहरों को रुख बदलना ही पड़ता है। जो आधे लोगों को भौंकना लगता है, उन्होंने कभी ये चीज रियलाइज नहीं की कि आपके इलाके में कभी चोर नहीं घुसेगा। अगर आपके पास स्ट्रे डॉग्स है, वो इतने फेथफुल होते हैं, आप उनको 3-4 दिन खाना देते हो, वो लाइफ टाइम याद रखते हैं आपको। एक किसी के यहाँ शादी थी, तो उन्होंने डॉग, क्योंकि बार बार जैसे उस एरिया को बिलोंग करता था, तो जहाँ उन्होंने टेंट लगा रखा था वहाँ वो बार बार आ रहा था, तो उन्होंने लोहे की रॉड से उसे मारा। बट एनिमल लॉज इतने कमजोर है कि कुछ बहुत उनको कुछ पनिशमेंट या कुछ हो नहीं पाई। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इन जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। अभी इधर आया ना कुत्ता बित्ता वाला सबको मारने का। He was dragging the dog with this. Look at his neck. हमें बहुत सारे लोग कन्विंस करते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको फीड करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्ट्रे का तो मतलब ही होता है कि वो अपना खुद खाना ढूंढे, तुम्हें यहाँ पे आके खाना देने की जरूरत नहीं। शाम को जब मैं गेट बंद करने के लिए जा रहा था, लॉक करने के लिए, रात को की आवाज आई तो बाहर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसको अंदर मैं ले आया, उसको अंकल ने ऐसे हाथ में ही पकड़ा, मैंने गुनगुना दूध किया करा और किचन में खड़े होके चम्मच से उसके मुंह में डाला, वो पी के हाथ में ही सो गई। उसके बाद वो हमारे घर ही सो गया। उसके बाद वो हमारे घर से बाहर गए नहीं, और वो फिर हमारे साथ 12 साल रहा और हमारा टाइम बहुत अच्छा कटा उसके साथ। ये थे मिस्टर भाटिया, जो कि अपनी श्रीमती के साथ मिलके पिछले 20 सालों से इन जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। आज की सुबह सैम अर्थ के सदस्य इको पैट रेवोल्यूशन के स्वयंसेवक जनों के साथ एकजुट होकर गुच्छू पानी में फैली हुई गंदगी को साफ करने में जुटे हैं। बहुत ज्यादा प्लास्टिक और बहुत ज्यादा कांच के टुकड़े जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कवर किया है। इतनी गंदगी मिलेगी ना आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। बहुत बड़े बड़े डस्टबिन है पर सारे खाली हैं। शायद 1% लोग भी कूड़ा नहीं डालते डस्टबिन पे। ये एक छोटा सा प्रयत्न अपने वातावरण का ख्याल रखने का है और साथ ही लोगों को उत्तरदायी बनाने का भी, खासकर हमारे पर्यटन स्थलों का, जहाँ घूमने हजारों की तादाद में लोग रोजाना आते हैं और लापरवाही से कूड़ा कचरा फैलाकर चले जाते हैं। सैम अर्थ एनजीओ और भी बहुत से दूसरे संगठनों के साथ उनकी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सब इसी उम्मीद में जुटे हैं कि कैसे एक जिम्मेदार और सुंदर समाज का निर्माण हो। हम बहुत सक्सेसफुल, ऑफ कोर्स हम बहुत एकम्प्लिश महसूस कर रहे हैं पहले से, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉग्स को ठीक किया है, बहुत सारे डॉग्स को अडॉप्ट करवाया है। हम लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि आगे हम लोग और ज्यादा डॉग्स को कवर कर पाएंगे और उनके लिए, या और भी किसी, जैसे गाय, जो जैसे दूध देना छोड़ देती है गाय तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं, तो ऐसे जानवरों के लिए बहुत सारा कुछ हम करना चाहते हैं। तो हम अगर वो सब कुछ भी कर पाए तो उसके लिए अब हमें और मदद की जरूरत है। हमें शेल्टर की जरूरत है, हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है, हमें वॉलेंटियर्स की जरूरत है और हमें एक ऐसी सोसाइटी की जरूरत है। सबसे ज्यादा पहले तो ऐसी सोसाइटी की जरूरत है जो बहुत कम्पैशनेट हो। ये बहुत ही ताजुब की बात है कि आज के जमाने में अगर कोई सही कार्य करने भी निकलता है तो उंगलियां उठाने वाले बहुत हैं। ऐसे में सैम अर्थ की संस्थापक प्रतीक्षा
और आकांक्षा जी अपनी मेहनत और लगन से उन उठती उंगलियों को अपने ठोस इरादों से टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सहमर्थ यूं ही अपने बुलंद हौसलों से अपना काम करता रहेगा और ऐसे ही इन जानवरों को अपने प्यार से उनकी जिंदगी को और आसान करता रहेगा। तो बस इसी उम्मीद में मजरू सुल्तानपुरी साहब की इन दो पंक्तियों के साथ इस सफर को आज यहीं पर विराम देते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल अगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया।